अरे भाई, तुम कल्पना का तो सुख भोगते हो संसार में, वास्तविक सुख तो मिलता नहीं जीव को। ये लोग देखो, ये फिल्में देखने जाते हैं लोग, जिन सीरियल आते हैं, नाटक आते हैं, जिन रंगमंच होते हैं, लोग 2-2 हजार, 5-5 हजार, 6-6 हजार क्रिकेट देखने जाते हैं, और भी सांसारिक चीजें देखने जाते, फिल्म देखने जाते, 500 रुपए की टिकट दे के देखने जाते हैं, वहां 100 रुपए के, 10 रुपए के पॉपकॉर्न 500 रुपए में खरीदते हैं। है आपको समझने, आपने सोचा कि आदि फिल्म देखने क्यों जाता है? आपको पता है, जबकि 100% उसे पता है कि फिल्म सब झूठ है, कुछ ऐसा है ही नहीं, लेकिन इस जीव को कहीं सुख नहीं मिला तो बेचारा लौकिक में कल्पनाओं का सुख लेना चाहता है। क्या कहा मैंने? कल्पना का सुख समझते हो? ये रोमांटिक फिल्में समझते हो? रोमांटिक फिल्म, रोमांटिक फिल्म है। रोमांटिक फिल्म क्या होती है भाई? रोमांटिक माने लड़का लड़की का प्रेम दिखाते हैं, तो ये देखने जाता, बड़ी हिट होती है रोमांटिक फिल्म। कि क्यों? कि ये वहां बैठ के ऐसी कल्पना करता है, काश ऐसा मेरा होता, बस उसका सुख लेता है। वहां है कुछ नहीं, वहां तो वो सब एक्टिंग है, लेकिन इसके अंदर ऐसी कल्पना भरी पड़ी है ना, जीव के अंदर क्या है, ऐसी कल्पना भरी पड़ी है सुख के नाम पर। मिलता है नहीं कुछ, लेकिन ऐसी कल्पना है कि काश मैं जवान होता, मेरी कोई ऐसी, मेरी भी ऐसी दादागिरी चलती, मैं 50 लड़कों को उठा के फेंक देता और ऐसा खड़ा रहता। ऐसा कुछ होता रियल में? होता है क्या? एक आदमी 200 आदमी को मार सकता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन देखो, फिल्मों में दिखाते हैं, और आप 500 रुपये दे के उसको देखने जाते हो, और आप बाहर निकलते हो तो मजा आ गया, किस बात का? कल्पना का, इस बात का कि जो आपने मिथ्या कल्पना कर रखी थी, उसे उसने वही कल्पना पर्दे पर उठा दी, अब इतनी सी बात, और आप उसके 500 रुपये दे के खुशी खुशी घर आ जाते हो कि मजा क्या आया। और जरा, और उसने वो 500 आदमी को मार रहा था, और बाहर निकलते ही एक आदमी ने तुम्हारी कॉलर पकड़ ली है, तो तुम बिल्कुल घबरा जाते हो कि भाई साहब माफ कर दो है। एक बार की घटना है, हम जब जयपुर पढ़ते थे, मेरा एक दोस्त था, तो वो क्या करता था, हम तो कभी कभार फिल्में देखने जाते थे तो साथ में जाते थे 2-4 लड़के, लेकिन वो अलग ही टाइप का था, वो अपने हिसाब से ही जाता था, अकेले ही जाता था फिल्म देखने। तो गया एक बार फिल्म देखने, तो देखने गया तो फिल्म देख के आया, तो वही कल्पना लोक में जैसी फिल्म देखी हो, समझ में आए, देखी लड़ाई झगड़े की, तो आया बाहर, उसने एक लड़के ने उसका जेब काट लिया उसके सामने, जेब काट लिया, वो देख लिया उसके जेब काट रहा, वो भागा तो वो भी भागा, और इसको एकदम जोश आ गया कि मैं हीरो, एकदम दौड़ रहा उसके पीछे, अब वो भी दौड़ रहा, अब वो सोचा उनको हीरो की तरह इसको मैं निपटा दूंगा। फिर थोड़ी देर आगे गया, उसने वो खड़ा हो गया, कौन? चोर। देखो रोड की बात, सच्ची बात, वो खड़ा हो गया, कह रहे धरा, अभी निकल, अभी भूल गया, अब असलियत में आ गया। और उसने इतना बड़ा चाकू निकाला, इरा पर्स चाहिए इधर आ। अब भाई साहब वो दूर खड़ा और रोड पे, समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा नहीं, आ आ। थोड़ी देर तो वो दौड़ा, उसने सोचा ये बड़ी दमदारी दिखा रहा है, उसने चाकू निकाल लिया, फिर अपने उल्टे पैर घर आ गए। तो फिर सुनाया विवेक ऐसा हुआ, तो मैंने कहा क्यों, तुझे जोश आ रहा था, तू सुना? कह रहा यार सब जोश ठंडा हो गया उसका चाकू देख के। समझ में आया? तो ऐसे जीव को, मैंने हम सबको इतना कल्पना करा के संसार में सुख दिखाया जाता है, और इतना भ्रमित किया जाता है जो वास्तव में है ही नहीं, बिल्कुल झूठ, उससे बड़ा झूठ दुनिया में नहीं है। अब आजकल 4D, 5D, 6D आ गए ना, LD क्या होता है ये, आ गए 3D, अब उसमें ऐसा निकलता हाथी बाहर ही निकल आया, उसमें बिल्कुल मगरमच्छ खाई लेगा, जबकि वहां कुछ है ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा है, वो सिर्फ एक एनिमेशन है, और वो इस तरीके से डेवलप होता है कि वो तुम्हें वास्तविक लगने लगता है। देखो कितना अच्छा उदाहरण है आज के लिए समझाने के लिए, कि जैसे वहां कोई मगरमच्छ नहीं है, वहां कोई शेर नहीं है, कोई हाथी नहीं है, कोई चीता नहीं है, कोई अजगर नहीं है, कोई खाने वाला नहीं है, लेकिन तेरे ऐसे कल्पना हो रही है कि मुझे खा जाएगा, और तू दौड़ रहा है। देखा आपने 3D? हमने तो नहीं देखी, लेकिन अपन कभी ये मॉल वगैरह में जाओ तो वो ऐसे आंखों में लगा के रखते हैं चश्मा, और वे बड़बड़ाते रहते, तो मैं कई दफे सोचता था अटैक आ गया, क्या हो गया ऐसे,
फिर मुझे किसी ने बताया इसके अंदर उसको कल्पना हो रही है कि इसे जंगल में शेर दौड़ गया। मैंने गजब हो गया, और ये घबरा रहा है तो निकाल क्यों नहीं देता है कि भैया मजा ही घबराहट का है, इस जीव की दशा तो देखो, मरने का मजा लेना चाहता है, डरने का मजा लेना चाहता है, जंगल में शेर पीछे पड़ जाए तो मुझे कैसा डर लगेगा ये मजा लेना चाहता है। आचार्य कहते आत्मा में रमने का कैसा मजा आएगा, ये भी तो मजा लेने की सोच, दुनिया के मजे लेना चाहता है, सड़े सड़ाए जिसमें तेरी आत्मा मर जाए। और आत्मा जर अमर पद को प्राप्त हो जाए तो अनंत काल के लिए मुक्त हो जाए, वैसा मजा लेने का भाव नहीं आता तुझे। क्यों? ये ठंड में लोग कुल्लू मनाली भाग रहे हैं, कश्मीर भाग रहे हैं, और कहां शिमला भाग रहे हैं, जबकि ठंड यहीं की नहीं सही जा रही, समझ में? अभी वहां भाग रहे हैं, उनसे पूछो वहां क्या है भैया, कहते वहां इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि बिल्कुल कुल्फी जम जाती है साहब, तो जा क्यों रहे? वो ही देखने के लिए कि कैसे जमती है, बर्फ गिरती है, मजा आता है क्यों? तो ये सब आपको कल्पना मात्र सुख है कि वास्तविक सुख है? और देखो कल्पना मात्र कैसा है, वहां जाता है और अधिकतर लोगों को सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, वो बेचारे बीमार हुए हुए आते हैं, समझ में है? अभी 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 जो पंच कल्याणक चल रहा है ना, तो अपन तो यहाँ देखते, अपन तो गए नहीं, जो गए हुए हैं उनमें से कई दो चार मित्र हैं, तो हमने कहा और बढ़िया मजा आ रहा है, तो बोलते भैया तुम्हें ज्यादा मजा आ रहा है, हम तो मरे जा रहे हैं कि क्यों इतनी भीड़ है, एक तो धस जाते हैं ना, तो दिखाई देता है हो क्या रहा है, समझ में आया? और खाने की चिंता, कमरे पर भागने की चिंता, दस दस पंद्रह पंद्रह बीस तीस 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 किलोमीटर दूर रुके हैं, तो रात में भागते फिरते, अब देख रहा तुम्हें यहां से वो कैसे लग रहे कि उनको मजा आ रहा हो, और जो है वो कह रहा कि तुम अच्छे हो, घर में बैठ के देख रहे हो। बोलो, मैंने संसार में सुख है नहीं, तुम्हें दूसरे को देख के लगता है कि इसके सुख होगा, तुम्हें देख के लगता है उसके सुख होगा, लेकिन कहीं सुख नहीं है। मैं तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, अलग ही वो उदाहरण पसंद नहीं आता, ठीक भी नहीं, लेकिन देना पड़ता है समझाने के लिए। हर आदमी को दूसरे की जोड़ी अच्छी लगती है, क्यों? दूसरे की पत्नी देखता है तो कहता बहुत सुखी है, और मजेदार बात है जिसकी वो है वो तुम्हारी देख के सोचता है, अभी इससे ज्यादा और पागलपन हम क्या बता सकते हैं। मैं तो कहता हूं दोनों बैठ के मीटिंग कर लो कि भैया मुझे तेरी पत्नी में सुख दिखता है, मुझे तेरे पति में सुख दिखता है, और मुझे तेरे पति में सुख दिखता है, ऐसा कोई कहे वो बैठ के भैया देख लो, तो वो कहेगा हम तो तलाक की तैयारी कर। एक चुटकुला सुनाता हूं ना कि दो आदमी पागल खाने में भर्ती थे, एक इस कमरे में था एक इस कमरे में था। एक आदमी पागल खाने का दौरा करने आया तो उसने पहले वाले से मिला और उसकी तरफ देखा तो बोले अरे भैया ये आदमी पागल कैसे हो गया? बोले साहब ये जिस लड़की से शादी करना चाहता था और इससे उसकी शादी नहीं हुई इसलिए पागल हो गया। अच्छा, बोले अरे दुख की बात है, दुख की बात। और बराबर वाले पे गए, बोले ये क्यों हो गया? बोले साहब इसकी उसी लड़की से हो गई इसलिए हो गया। क्यों? अब बताओ कौन किसका सुख माने, क्या माने सुख संसार में? तभी गुरुदेव श्री जो ये समझा रहे थे कि संसार में सिर्फ कल्पना का सुख है, वास्तव सुख तो नहीं है, यथार्थ में तो दुखी दुख है।